हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वेज मंचूरियन बनाने जा रही हूँ। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने पत्ता गोभी ली है 1 कप, फूल गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, फ्रेंच बीन 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, मैदा 4 बड़े चम्मच, काली मिर्च 1 टीस्पून, ऑयल फ्राई करने के लिए, मशरूम्स 1/2 कप, स्प्रिंग अनियंस 1/2 कप, टोमेटो सॉस 3 टेबल स्पून, प्याज 1/2 कप कटा हुआ, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून। आइए अब हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मंचूरियन बॉल्स की विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन को ग्रेट करके इस तरीके से रख लिया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर के 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे 4 बड़े चम्मच। इसके बाद काली मिर्च 1 टीस्पून और नमक स्वादानुसार। अब हम इस सारी सामग्री को आपस में मिला लेंगे। जब तक हमारा डो रेडी होता है, तब तक मैं कढ़ाई पे अलग से तेल गर्म होने के लिए रख रही हूँ। अब ये डो रेडी हो चुका है। जब तक तेल गर्म होता है, तब तक हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेंगे। आपको इस तरीके से बॉल्स बनाने हैं। अब मंचूरियन बॉल्स रेडी हो चुके हैं और तेल भी गर्म हो गया है, तो अब मैं इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। मैंने मंचूरियन बॉल्स को इस तरीके से फ्राई करके रख लिया है। ये इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन्हें एक बार दोबारा फ्राई करने के लिए डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं ग्रेवी बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे, जो मैंने अच्छे से काटा हुआ है। लहसुन को हमें 10 सेकेंड तक पकने देना है। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे कटी हुई। इसे आप अच्छे से मिला दीजिए और थोड़ा सा पिंक होने दीजिए। अब हमारा प्याज पिंक हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले कटी हुई पत्ता गोभी, फूल गोभी, फ्रेंच बीन्स, गाजर, मशरूम, कैप्सिकम, शिमला मिर्च,
आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। हमें इसे हल्का सा सॉटे करना है, पूरी तरह से पकाना नहीं है। अब हमारी सब्जियां अच्छे से सॉटे हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, नमक, और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इसके बाद ग्रीन चिली सॉस 1 बड़ा चम्मच। टोमेटो सॉस 2 बड़े चम्मच। और विनेगर 1 बड़ा चम्मच। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 मग पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। वन कप वेजिटेबल स्टॉक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में पहले से घोल के रख लिया था। अब मैं इस पानी को इस मिक्सचर में डाल रही हूँ। अब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब मैं अब गैस ऑफ कर रही हूँ। गैस ऑफ करने के बाद जो मैंने बॉल्स बनाए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे गार्निश करूंगी स्प्रिंग अनियन से, इस तरीके से। अब हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।